साथियों 13 फरवरी 2019 को अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है, एक ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर है वाइल्ड लाइफ फर्स्ट एंड अदर्स वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। उसके उस केस का जजमेंट जो ऑर्डर आया है उसमें कहा गया है कि इस मुल्क के जो आपके लगभग 15 करोड़, मेरे पास डेटा है, सॉरी 15,49,949 परिवार जो 21 राज्यों में रह रहे हैं, उनको जो है उनकी जो पैतृक जमीन है उससे बेदखल किया जाए। जब हम लोग यहां पर बैठे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक सवाल हम आपके माध्यम से इस मुल्क से पूछना चाहते हैं और इस निजाम से भी पूछना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने ये आदेश पारित किया है कि 15,49,949 परिवार, अगर एक परिवार में आप 5 सदस्य भी मानते हैं तो मोटा मोटी 75 लाख आदिवासियों को ये सरकार अगले 4 महीने में 27 जुलाई 2019 तक उनके जो पैतृक जमीन है उससे बेदखल करने जा रही है। ये आपको समझना होगा कि आखिर ये सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या जो आपके हाई कोर्ट है उनके माध्यम से जो ये पॉलिसी बना रही है, जो ये करना चाहती है, उसके पीछे मोटिव क्या है। ये मोटिव बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा। सरकारों ने तय किया हुआ है कि जो जमीनें हैं जिन पर कि इस मुल्क के आदिवासी पिछले 2,500-3,000 सालों से बसे आ रहे हैं, उन जमीनों को उनसे छीना जाए और ये जो पूंजीपति बैठे हैं उनको ये दे दिया जाए ताकि वो इस पर से मुनाफा कमा सके। ये आदिवासी उस मुनाफे के बीच में और उस पूंजीपतियों के बीच में एक दीवार खड़ी किए हुए हैं। ये सिर्फ 75 लाख आदिवासी नहीं है, इसमें उन जनजातियों का कोई आंकड़ा नहीं है जो कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था से अपरिचित है। उन आदिम जनजातियों का कोई डेटा यहां पर नहीं है जिन्होंने अभी तक 2006 का जो अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 उसके अगेंस्ट में यह जजमेंट आया था। पहली बार आजाद हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में आजादी से पहले देखेंगे तो जमीन जो है किसी की पैतृक संपत्ति नहीं थी, जो रहता था उसकी जमीन थी। मुगलों के दौर में राज्यों की हुआ करती थी, उससे पहले राजा महाराजाओं की थी। आजादी के बाद जमीनें दे दी गई राज्य सरकारों के जिम्मे या केंद्र सरकार की बापोती हो गई और आदिवासियों से यह सवाल पूछा जाने लगा कि ये जो जमीन जिस पे आप रहते हैं इसको साबित कीजिए कि ये जमीन आपकी है। आज संकट यह है कि उनके सामने आपने जो व्यवस्था दी उसमें सबूत मांगते हैं आप लोग कि कहां से वो कागज लेकर के आए। आपकी यह व्यवस्था उनके लिए परिचित है, वो नहीं जानते इसको, वो पहले भी आपसे अलग थे और आज फिर से आपने बेदखल करके उनको इस मुख्य धारा से अलग करने की साजिश रची। अब सवाल उनके सर्वाइवल का, जब पिछले कई सालों से एक नारा लगाया जाता है बहुजन यूनिटी का और सच में हम लोग बहुजन यूनिटी की बात भी करते हैं और उसके लिए लड़ते हो और यह हमने पिछले दिनों दिखाया भी है। पूरे देश भर में हम लोगों ने एक नारा दिया था कि वी आर 85% कि हम इस देश के 85% हैं। आज यह सरकार उस 85% में से 8% के ऊपर डायरेक्ट हमला करने जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बेदखली ऐसे ही हो जाएगी? क्या ये बेदखली ऐसे ही चुपचाप कर ले जाएंगे? तो हमारा जवाब है नहीं, नहीं करने देंगे। ये जमीन से बेदखली नहीं है, जमीन जंगल उनका जीवन है, उनकी परंपरा है और उनके पुरखों का जो है निवास स्थान है। हम उन्हें उनके पुरखों से अलग नहीं होने देंगे। ये निजाम सुन ले और उसके जो जिनका ये दलाली कर रहे हैं वो पूंजीपति भी सुन ले कि जमीन नहीं देंगे, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और आप जिस माध्यम से आ जाइए, कोर्ट के माध्यम से आइए चाहे पुलिस लेकर के आइए, कुछ भी हो जाए जमीन नहीं देंगे। कोई भी रास्ता आप चुन लीजिए, जमीन हमारी थी, हमारे पुरखों की थी और रहेगी, जब तक जिंदा रहेंगे जमीन हमारी रहेगी। साथियों छोटी सी अपील आपसे, एक हम लोगों ने एक पर्चा अभी लिखा है जो पब्लिक पर्चा है, उसको हम लोग अभी पब्लिक डोमेन में ला देंगे आप लोगों के सामने। ये अभी हम लोग एडिटिंग कर रहे थे यहाँ पे बैठे हुए, सो उसको आप पढ़िए और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हालात क्या है। और इसी सिलसिले में हमने देश भर के आदिवासियों को दिल्ली बुलाया है 2 मार्च के लिए, और देश भर के लगभग 2 से 2.5 लाख आदिवासी 2 मार्च को मंडी हाउस से जंतर मंतर तक इस मुल्क के निजाम को ये बताने के लिए आ रहे हैं कि आप जो ये बेदखली कर रहे हैं, ये बेदखली नहीं चलेगी। आप आजादी के बाद का सबसे बड़ा विस्थापन करने जा रहे हैं। पहला विस्थापन आजादी में पार्टीशन के साथ हुआ था और दूसरा विस्थापन आज होने जा रहा है। ये लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का मसला है, किसी 1 और 2 का मसला नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का मसला है। और हम उस चेतावनी के बतौर उनको बताने 2 मार्च को जंतर मंतर पर आ रहे हैं, मंडी हाउस से जंतर मंतर। आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग जिस तरीके से भी, जिस भी फॉर्म में आ सकते हैं, अपने झंडा बैनर के साथ 11 बजे ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है, आप अपने बैनर के साथ आइए, अपने पर्चों के साथ आइए, अपने प्ले कार्ड के साथ आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे साथ है वो उसका एकदम स्वागत करते हैं, और इसके संबंध में जो चीजें हैं वो आपको और प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ साथ 2 चीज और भी हम लोग कर रहे हैं कि एक लेटर हम लोगों ने तमाम लोगों से गुजारिश की है, जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, या आपका खुद का सरपंच हो गांव का, या वार्ड का मेंबर हो, या आप खुद हो, एक लेटर हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है, उसको आप प्राइम मिनिस्टर के नाम जरूर लिखिए। उसमें हमने मोटा मोटी 4 डिमांड्स की है। पहली डिमांड है कि 2006 का यह जो वन अधिकार अधिनियम है इसको सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा, इस बेदखली के खिलाफ सरकार अध्यादेश लेकर के आए। तीसरी डिमांड जो है, अभी तक जिन आदिवासियों ने अपने दावे नहीं किए, आवेदन नहीं किए, या जो इस व्यवस्था से एकदम अपरिचित है, उनके हक को जो है सरकार अध्यादेश ला करके सुनिश्चित करे। और चौथी बात जो कि फाइनल बात है, जिसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान किए थे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विषय में और उनके समाज के संबंध में, उन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। यही हम आगे बोलते हैं। शुक्रिया।